अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, जिस तरह पीछे हमने एक एक्सरसाइज की थी अपनी मल्टीप्लीकेशन टेबल की, जिस तरह ये इधर होगी, ये जिस तरह मैंने आपको पहले ये एक्सरसाइज दी थी आपको सॉल्व करने के लिए, और बाद में फिर मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाई थी, ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरह मैं आपको दोबारा एक एक्सरसाइज देने लगा हूँ, जो कि होगी हमारी लूप के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम एक यूजफुल प्रोग्राम लूप के कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने लिखना है, ठीक है। और मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने उस प्रोग्राम के अंदर क्या लिखना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, चूंकि ये हमारी 22 है, तो मैं इधर सी डॉट 22, सी 22.c, ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज है। और इधर मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, ये मैंने इसको कमेंट आउट कर लिया। अब इसके अंदर मैं आपको बताई जाऊंगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपको कुछ कन्वर्जन करने के फॉर्मूले दिए हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ किलोमीटर टू माइल्स और इंचेस टू फीट फुट, इंचेस टू फुट और सेंटीमीटर टू इंचेस। उसी के साथ साथ मैं आपको कन्वर्जन फैक्टर दे देता हूँ पाउंड टू केजी, पाउंड टू केजी, ठीक है। और हम लेंथ के हिसाब से भी देख लेते हैं, मैं आपको कह देता हूँ इंचेस, इंचेस टू मीटर, ठीक है। ये 5 दिए हैं, ठीक है, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये 5 आपने लाजमी करने की कोशिश करनी है। अब आपको प्रोग्राम क्या लिखना है, आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि यूजर से पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, किलोमीटर टू माइल करना चाहते हैं, या आप इंचेस टू फुट कन्वर्ट करना चाहते हैं, या सेंटीमीटर टू इंचेस करना चाहते हैं, या पाउंड टू केजी करना चाहते हैं, या फिर इंचेस टू मीटर करना चाहते हैं। यूजर इनमें से कोई भी एक चूज करेगा और उसके बाद डालेगा अपनी पहली स्केल की वैल्यू, यानी अगर वो ये चूज करता है, ये वाला चूज करता है, तो वो क्या करेगा, अपनी डालेगा पहला स्केल उसका होगा सेंटीमीटर, तो वो इसकी वैल्यू डालेगा, और आपका प्रोग्राम क्या करेगा, इन रिटर्न उसे दूसरे स्केल की वैल्यू देगा, यानी वो सेंटीमीटर में अगर वैल्यू लिखेगा तो आपका प्रोग्राम उसे इंचीज में वैल्यू देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम समझ आया होगा, और आपने ना एक कोशिश करनी है कि आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, उसको आपने स्मार्टली तरीके से लिखना है कि वो छोटा रहे, ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है, और यूजेबल भी रहे, ये नहीं कि एक बार ही एग्जिट हो जाए आपका प्रोग्राम। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप वीडियो जो देख रहे हैं, जो आप उनमें सीख रहे हैं, वो आपको यूज भी करना है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकें, आप वीडियो देखें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो आप डन कमेंट में लिखें, अगर नहीं होता तो आपका जो इशू आ रहा है, जो मसला आ रहा है, अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट में मेरे से पूछें कि मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।